माँ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, उसी की खुशी है, उसी की खुशी है। और एक ये भी रीज़न है कि बहुत टाइम से टेंशन्स थी और अभी थोड़ा सा माहौल बेटर हो रहा है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं सबको खुशी हो रही है उस बारे में। एक्चुअली हमारा पैचअप हो गया, हमारा पैचअप हो गया, बहुत क्यूट सा सी। पूछ लो यार इनसे कुछ, पूछ लो पूछ लो। नेगलेक्टेड दोनों बहनों का पैचअप हो गया, भाइयों को कैसा लग रहा है? क्या हुआ? अरे हम उधर बाइक दे रहे हैं, आते हैं। गाइस स्नेहिल का है तेल, हम दोनों फ्री हैं जी। ये अच्छी बात है, तब से बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी दोनों बहनों में। अच्छा नहीं लगता यार, इतना प्यार ऑफ स्क्रीन भी इतना प्यार है, तो ऑन स्क्रीन ऐसे लड़ाई करती हैं तो दोनों अच्छी नहीं लगती। ऐसी रहो, प्यार करती रहो एक दूसरे से और हमसे भी। वो वैसे भी मज़े करके ही डांस करती है हमेशा, और उसने वही किया सीन में भी। बाकी करण बताएगा क्या चल रहा है, उसे ज़्यादा पता है। क्यों है इतनी खुश हो? अरे क्यों है इतनी खुश हो? नहीं वो, हाँ वो अपने ही, उसको गाना चलता है, वो चाहे आशिका हो चाहे ख्याति, वो अपना डांस ही करती रहती है और उसका अपना ही मूड चल रहा है। तो लो कॉपी तो कल किसी और ने किया था मेरा आंसर, बट चलो कोई उस बारे में बात नहीं करते। मैंने सुना, अगर लग रहा है तो देख ही लेंगे, बट चलो। हाँ आई थिंक ख्याति ख्याति और आई थिंक इट्स बिकॉज शी इज इन लव, या दैट्स द आंसर। नहीं उसे प्यार तो विशाल से ही है, और एंट्री तो होगी, एंट्री किसके लिए होगी वो पर ऑब्वियसली इनके तो विशाल नहीं सोच रहा होगा दूर दूर तक, तो कोई लड़का तो जरूर आएगा और फिर एक अच्छा। सबसे ज्यादा चाहेंगे खुशी की बात, तो मतलब अभी खुशियाँ मना रही हैं तो कुछ ही देर कुछ एंजॉय करने दो लोगों को, नाच गाना। नहीं आई थिंक अब थोड़ा खुशियाँ ज़्यादा आएंगी क्योंकि बहुत दुख हो गया, बहुत टेंशन हो गया। अब हम दोनों तो बाहर निकल चुके हैं तो खुशियाँ आ गई हैं अब, और क्या खुश है। देखो इसको चाबी मिल गई है, बस इसकी खुशियाँ तो आ गई। थैंक यू।